वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डी फ्रेंड्स मैं हूं प्रशांत मावानी आई होप यूर लर्निंग गुड आज मंडे है ट्वेंटी फिफ्थ जनुरी ट्वेंटी ट्वेंटी आप सब ने अपना वीकेंड काफी एंजॉय किया होगा दिन की शुरुआत करते हैं इस कोर्ट के साथ द ओनली जर्नी इज द वन विद इन एक ही सफर सबसे बेस्ट सबसे फाइनल सफर आप कह सकते हैं वो है हमारे भीतर ही ट्रैवल करना अपने आप को देखना अवेयरनेस राइट right. इससे आपको आपके पोटेंशियल आपकी खामियां ये सारी चीज़ों को देखने का उनको रिपेयर और इम्प्रूव करने का चांस मिलता है आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात बाउंस हो गई होगी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा बट दैट्स फाइन एक वक्त आएगा जब धीरे धीरे जब भी आप इनर जर्नी की शुरुआत करेंगे मेडिटेशन सेल्फ अवेयरनेस तब धीरे धीरे आप ये सारी चीज़ें समझ में समझ में लगेंगे But that's fine, अगर आप फिलहाल नहीं समझते हैं जस्ट कैरी ऑन वॉट यू आर डूंगा इस लेक्चर को प्लीज दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें हमने देखा है आपने भी देखा होगा कि जब आप इसको शेयर करते हैं तो व्यूअर्स भी काफी बढ़ जाते हैं बहुत सारे लोग इसको देखते हैं इस लेक्चर सीरीज को और ऑफकोर्स मैं भी इसको बड़ा बनाना चाहता हूँ राइट ईजीली टेन थाउजेंड स्टूडेंट्स इसको रेगुलर बेसिस पर देखें यह एक बहुत ही ईजिली अचीवेबल टारगेट है अगर आप मेरा साथ दे तो प्लीज मेक श्योर यू शेयर इट हिट द लाइक बटन अगर आपको जेन्यूनली ये वीडियो पसंद आता है जो डिस्क्रिप्शन पसंद आती है देन हिट द लाइक बटन हमारी चैनल स्टडी ए क्यू एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके बहुत सारे प्रश्न भी हो सकते हैं जेनेट आपके मन में डाउट होते होंगे तो यू कैन राइट मी राइट फेसबुक right के ऊपर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं आप मुझे इंस्टा ट्विटर पर भी मैसेज कर सकते हैं हमारे टेबल के ऊपर है पांच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिपब्लिक डे सेल के अब बस दो ही दिन बचे हैं तो डिफ्रेंड्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेस के ऊपर रिपब्लिक डे सेल चल रहा है तो राइट right. आज ही डाउनलोड करें हमारा मोबाइल ऐप सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन चेंजिंग क्लाइमेट इंडियन एक्सप्रेस का ये एक बहुत ही खूबसूरत एडिटोरियल है एक और चीज़ यू नो पीरियडिकली कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है नाम श्योर sure, आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता नहीं है कि एडिटोरियल और आर्टिकल के बीच में क्या डिफरेंस होता है तो बहुत ही क्विकली बता दूं एडिटोरियल राइट एडिटोरियल का मतलब है कि उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल या फिर द हिंदू का एडिटोरियल का मतलब यह होता है कि जो द हिंदू न्यूज़पेपर है हैं या फिर कोई भी न्यूज़पेपर है हैं उनके जो एडिटर्स हैं एडिटर्स यानी कि मेन बॉस जो भी बॉस हैं जो टीम है या फिर इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का ये व्यू होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तो जनरली एक पेज जो होता है एडिटोरियल का पेज जो होता है न्यूज़पेपर में तो इट लुक समथिंग लाइक दिस राइट तो यहां पर आपको एक दो या फिर मैक्सिमम तीन एडिटोरियल्स इस साइड होते हैं ये टॉपिक का नाम होता है और कुछ, कुछ किसी भी विषय के ऊपर किसी भी विषय इन द सेंस उस न्यूज़पेपर को इंडियन एक्सप्रेस या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर एक्स वाई जेड कोई भी न्यूज़पेपर हो उस न्यूज़पेपर के जो एडिटर हैं उसकी जो टीम है कोर टॉप टीम उनके मुताबिक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो रही है देश में या फिर दुनिया में सेकेंड नंबर थर्ड नंबर तो दिस आर एडिटोरियल्स आर्टिकल्स जो होते हैं वो कोई एक्सपर्ट होते हैं फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट के ऊपर किसी ने आर्टिकल लिखा तो एनवायरनमेंट के बारे में यू uh, नो you know, एक अच्छी नॉलेज इन डेप्थ नॉलेज वाले व्यक्ति ने उस आर्टिकल को लिखा है इकोनॉमी के ऊपर कोई आर्टिकल लिखा गया है तो तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक एक्सपर्ट जो हैं वो जब लिखते हैं दैट इज आर्टिकल और जो न्यूज़पेपर की जो टॉप टीम है वो जब चीज़ें लिखती है किसी विषय के ऊपर उनकी जो टिप्पणी होती है या फिर उनका जो टेक होता है दैट इज़ एडिटोरियल तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी ना वन ऑफ दर फर्स्ट डिसीजन्स टेकन बाय जो बाइडन जो बाइडन ने आते ही और कैंपेन के टाइम पर भी उन्होंने कहा था कि कुछ डिसीजनस कुछ विषयों के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी अपना इंडिकेशन दे दिया था लेकिन प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने दो इम्पोर्टेंट विषयों के ऊपर डिसीजन लिया फर्स्ट इज एनवायरमेंट एनवायरमेंट के ऊपर यह है कि पैरिस क्लाइमेट चेंज पैक्ट जो है पेरिस एग्रीमेंट जो है उसको यूएसए ज्वाइन कर लेगा तो दिस इज़ ए वेरी गुड न्यूज़ सेकेंड वन इज रिगार्डिंग हेल्थ के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी यूएसए सपोर्ट करेगा हियर यू कैन रीड के जो बाइडेन ने यह बताया है एंड आई वुड लाइक टू कोट हिम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड रेंज ऑफ अदर इश्यूज द यूएस विल एंगेज विद द वर्ल्ड वंस अगेन फिर से एक बार फिर से एक बार क्योंकि ट्रंप साहब ने पेरिस एग्रीमेंट से यूएसए को बाहर निकाल दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यह कहा कि हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे नाउ द नज डिफरेंस के डब्ल्यू एच ओ जो है उसका टोटल जो फंड है उसका बजट जो होता है उसका सिक्सटीन परसेंट बजट सिर्फ एक देश प्रोवाइड करता है दैट इज यूएसए और इतना इंपॉर्टेंट देश अगर डब्ल्यू एच ओ को फंड प्रोवाइड करना बंद कर देगा तो भारत जैसे देश को तो इम्पैक्ट होगी ही लेकिन जो छोटे छोटे गरीब देश हैं अफ्रीका के देश हैं कुछ देश आइलैंड नेशंस हैं फिर दूसरे जो हमारे साउथ एशिया रीजन में देश हैं तो इन सारे देशों की मदद जो है वो डब्ल्यू नहीं कर पाएगा एक व्यक्ति का डिसीजन और इम्पैक्ट होगी लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर और ये डिसीजन जो है वो भी जो उन्होंने बताया वो उसका जो टाइम था दैट वॉज नॉट द राइट टाइम जब डब्ल्यू की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी डब्ल्यू को ताकतवर बनाने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी उस टाइम पर ट्रंप साहब ने यह बताया कि वो डब्ल्यू को फंड देना बंद कर देंगे दूसरी चीज अगर हम क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहते हैं तो यू हैव टू हैव टॉप प्लेयर्स। चाइना जो है वो नंबर वन पोजीशन पर पहुंच गया है यूएसए जो है वो आज नंबर टू पोजीशन पर सेकंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस तो अगर दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एमिटर पेरिस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है तो क्या हम ये जो पेरिस अग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि ये 2100 पहुंचने से पहले है, अभी 2021 है राइट तो आज से लगभग 79 इयर्स का ये जो टाइम है इतने वक्त में हम ये मेक श्योर sure करेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है उसका एवरेज टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस से कम रहे तो ये आप अचीव ही नहीं कर पाएंगे अगर दुनिया के सबसे बड़े जो एमिटर्स हैं वो आपके आपके ग्रुप के पार्ट नहीं होंगे तब इसके अलावा बिल्ड ब्लैक बैक पार्डन बिल्ड बैक ग्रीनर दिस वन इज अबाउट फोकसिंग ऑन कम्युनिटीज़ ऑफ कला पोल्यूशन की वजह से जो अलग अलग रेस के लोगों को जो सहना पड़ा या फिर उनके ऊपर जो इम्पैक्ट हुई है तो ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिज एजेंडा तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं वो हमें जो बाइडन की तरफ से सुनने को उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक जो डैमेज ट्रम्प साहब ने किया है या फिर उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है उन सारी चीज़ों को रिपेयर करने का काम जो है वो जो बाइडन करेंगे ऐसा हमें फिलहाल लग रहा है एक और चीज़ प्रूव हो गई है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ये बात है नेशनल सिलोज आर इल इक्विप्ड टू डील विथ ग्लोबल चैलेंजेस और इज सिलो सिलोज यानी कि Uh, अकेले कोई चीज को करना सिंगल हैंडेडली करना दैट इज कोल्ड सिलोज ऑल गिव यू वन एग्जांपल मान लीजिए कि कोविड नाइनटीन आप कोविड नाइन्टीन बहुत सारे एग्जांपल इसमें हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज कोविड नाइनटीन लेट्स से क्लाइमेट चेंज राइट अब क्लाइमेट चेंज की बात करें तो दुनिया के लत से हंड्रेड कंट्रीज या फिर लद से दो देश हैं राइट right? दुनिया में दो में से 180 देश जो हैं वो जितनी भी चीजें पॉसिबल हैं वो ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे जो भी वाटर कंजर्व करना सारी चीजें वो फॉलो कर रहे हैं रूल बुक में जो लिखा है सारी की सारी चीजें या फिर आप कह सकते हैं कि रूल बुक से भी ज्यादा बढ़कर इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते लेकिन ये 200 में से 20 ऐसे देश हैं जो इतने बुरे काम करते हैं इतना पॉल्यूशन करते हैं यू uh, नो you know, ज़्यादा मछलियों को पकड़ लेते हैं मराइन uh, जो इकोसिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करता है तो क्या दुनिया जो है उसको हम बचा पाएंगे दि आंसर इज नो सिंपल यू स्विम टुगेदर या फिर स्विंग सिंक टुगेदर या तो आप साथ में तैर सकते हैं या फिर एक साथ सभी कोई डूब जाएगा तो अकेले जो हैं वो कोई भी देश कुछ नहीं कर पाएगा ये सारे चैलेंजेस ऐसे हैं क्या पेंडेमिक के खिलाफ कोई अकेला एक देश लड़ पाएगा तो आंसर no. एक देश के पास अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो दुनिया भर में यह खतरा रहेगा कि फिर से ये स्प्रेड हो सकता है या फिर इसका नया वर्जन आ सकता है तो आज के जो हमारे चैलेंजेस हैं जो अब, अब हमने चैलेंजेस फेस करने की जो शुरुआत की है दुनिया ने तो इस प्रकार के चैलेंजेस हैं कि वी हैव टू स्टिक टुगेदर एंड वी हैव टू फाइट टुगेदर आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है ये एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं यूएसए के और इनको कहा जाता है कि एनवायरमेंट के ये नए एम्बेसडर हैं यूएसए के इनका नाम क्या है बताइए ये आपके लिए एक प्रश्न है मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक ट्रबल्ड वाटर्स ये श्रीलंका और भारत के बीच में एक पेरिनियल एक, इश्यू एक है एक ऐसा इशू है जिसके बारे में हमें साल में बहुत बार पढ़ने को मिलता है चार फिशरमैन जो तमिलनाडु से थे और उनमें से एक व्यक्ति जो था चार में से एक व्यक्ति ऐसा था जो बेसिकली श्रीलंकन तमिल था लेकिन वो रेफ्यूजी बनकर तमिलनाडु में रहता था भारत में रहता था और फिर ये चार फिशरमैन जो हैं वो मछली पकड़ने के लिए गए और उनकी मृत्यु हो गई अब ये कहा गया है श्रीलंका का कहना ये है कि बोट टकराई इसलिए इसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई Uh, ये जो फिशरमैन uh, हैं उनकी साइड से जो भी उनके लोग हैं फिशरमैन के स्टेक होल्डर्स हैं तो उनका कहना यह है कि उनकी हत्या की गई है बाय श्रीलंकन अथॉरिटीज़ तो ये एक फिशरीज के साथ जुड़ा हुआ जो कॉन्फ्लिक्ट है ये पालक बे रीजन जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कहाँ पर है ये पालक बे तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये है हमारा देश भारत और ये है श्रीलंका एज वी ऑल नो श्रीलंका और भारत के बीच में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको देख सकते हैं वन इज पाल्क स्ट्रेट राइट ये जो पोर्शन है दिस इज पालक स्ट्राइट या फिर ये पोर्शन एक छोटी सी स्ट्रेट का क्या मतलब होता है कि दो जमीन के टुकड़े हैं और उसके बीच में पानी की कोई नहर जा रही है वी आर नॉट अबाउट इनलैंड हम जब इंटरनेशनल लेवल की बात करें राइट right? तो एक प्रकार का पानी का रास्ता उसको कहते हैं पाल्क स्ट्रेट राइट तो इस स्टेट का नाम है पाल्क और हेयर यू हैव दिस एडम्स ब्रिज राइट तो ये दो चीजें हैं नाव पालक बे जो है वो आपकी स्क्रीन के की पूरा पोर्शन जो है स्ट्रेट का मतलब क्या होता है एक प्रकार का पैसेज पैसाज बे यानी कि ये जो रीजन है ये बे। Now, ये बे नाउ दिस रीजन इज वाला पोर्शन जो है ये इंडिया का है ये वाला पोर्शन जो है वो श्रीलंका का है और ये है इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैरी टाइम बाउंड्री यानी कि वाटर बाउंड्री दोनों देशों की आप देख सकते हैं क्लियरली डिवाइडेड है तो ये इतना क्लैरिफिकेशन है आपको पता है कि कहां पर नहीं जाना है तो भी ऐसा क्यों होता है वाई द थिंग इज के सच बताऊं तो भारत के जो फिशरमैन हैं वो कुछ ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जो सही नहीं है और स्टेट uh, गवर्नमेंट जो हैं वो अपने फिशरमैन को खुश रखने के लिए कई बार सत्य जो है वो नहीं बोलती है जो सच है उनको एहसास नहीं कराती है कुछ स्टेप्स लिए गए हम नोट से इंग के स्टेप्स नहीं लिए गए लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें हो जाती है और फिर ये दोनों देश जो हमारे श्रीलंका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे लिए तो दोनों के बीच में ये एक बहुत बड़ा इश्यू है पेरिनियल इशू है जैसे मैंने आपको बताया तो इंडिया ने प्रोटेस्ट लॉज किया है कि हमारे चार फिशरमैन की हत्या कैसे हो गई दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड थिंग्स लाइक दैट और श्रीलंका ने यू नो एक कमिटी गठित की है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सॉल्यूशन हम निकालें अभी एक महीना भी नहीं हुआ कि एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप तीन साल के गैप के बाद दोनों देशों ने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप की फिर से शुरुआत की एक रे, इसको रिज्यूम किया और ये इंसिडेंट हो गया और ये जब तीन साल पहले जब दोनों देश ने यह तय किया था कि एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप होगा तब हमने ये तय किया था मीन्स बड़े बड़े प्लान्स जो थे उसमें ये था कि किसी भी प्रकार का वायोलेंस नहीं होगा किसी की जान नहीं जाएगी फिर दूसरी चीज़ के हम हॉटलाइन जो हैं वो हॉटलाइन यू नो वॉट इज हॉटलाइन राइट के दोनों ऑथॉरिटीज़ के बीच में एक फ़ोन होता है राइट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है यू पिक अप द फ़ोन हियर और वहाँ से डायरेक्टली रिंग बजने लगेगी यू डोंट हैव टू डायल तो हॉटलाइन जो है ये ट्वेंटी फोर बाई सेवन ऑन रहता है इन थिंग्स लाइक दैट तो दूसरी भी टेक्निकल चीज़ें हैं बट आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग कि आप एक व्यक्ति के साथ या फिर आपका जो काउंटर पार्ट है काउंटर पार्ट यानी कि भारत और श्रीलंका की जो कोस्टल गार्ड है वो एक दूसरे के साथ बहुत ही कनेक्टेड रहेंगे क्योंकि कम्युनिकेशन इज द की बातचीत करेंगे तो चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे और ट्रस्ट भी बढ़ेगा यू नो विश्वास बढ़ेगा एक दूसरे को समझ पाएंगे थिंग्स लाइक दैट लेकिन क्या ऐसा कुछ हुआ नो no. ना तो हॉटलाइन डेवलप हुई और ना तो ये वायलेंस बंद हुआ तो अब क्या चीजें करने की आवश्यकता है श्रीलंका का सजेशन यह है कि हम जॉइंट पेट्रोलिंग करें यानी कि दोनों इंडिया और श्रीलंका मिलकर इस पाल बे वाला रीजन जो है वहां पर जॉइंट पेट्रोलिंग करें भारत सरकार ने और तमिलनाडु सरकार ने जो बॉटम ट्रोलर्स होते हैं उनको डीप सी फिशिंग वेसल से रिप्लेस करने की कोशिश की व्हाट इज़ बॉटम ट्रोलर बॉटम ट्रोलर आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए एक एक प्रकार की बोट होती है अब ये जो बोट हैं उसमें एक बहुत बड़ी नेट लगाई जाती हैं ये बहुत ही स्ट्रोंग तार होती है इसमें और यू नो ये बॉटम तक पहुंच जाती हैं और जितनी चीज़ें ये फिर इसका इंजन भी पावरफुल होता है ये फुल स्पीड में फिर पूरी ताकत लगा देती हैं और ये नेट जो है इतनी बहुत बड़ी नेट होती हैं ये नेट जो है वो पूरा जो जो बॉटम पार्ट है समंदर का उसको रगड़ ले मीन्स यू नो इट इट ड्रैग्स इट उसको पूरा खींचती और जितनी भी चीज़ें हैं वो इसमें फंस जाती हैं तो इससे प्रॉब्लम ये होता है कि मछली तो आपको मिलेगी लेकिन मछली के साथ साथ जो इकोसिस्टम है वो इको भी डिस्ट्रॉय हो जाती है प्लांट्स मर जाते हैं बहुत सारे दूसरे ऐसे जो लिविंग क्रीचर्स हैं यू नो कोलेट्रोल डैमेज हो जाता है उनका कोई उनको हम खाते भी नहीं हैं कुछ नहीं करते बस उनको फिश कलेक्ट करने में बहुत सारे जो ऐसे दूसरे एनिमल्स हैं दूसरे मराइन स्पीसीज हैं उनकी हत्या ही करते हैं हम तो ये बॉटम ट्रोलर्स जो हैं इसको सस्टेनेबल नहीं माना जाता दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल वे ऑफ फिशिंग तो इसको रिप्लेस करना डीप सी डीप सी का मतलब ऐसे डीप नहीं ऐसे डीप इन द सेंस कि दूर तक आप जा सकें तो ये प्लान था कि इस एरिया में नहीं आप दूर कहीं पर जाइए और वहाँ पर जाकर मछलियाँ पकड़िए वहाँ पर भी आपको अच्छी मछली मिल सकती है दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि श्रीलंका के जो फिशरमैन हैं उनके पास आज भी ट्रेडिशनल बोट्स हैं जो चप्पू वाली बोट होती हैं वही होती हैं उनके पास ज़्यादातर तो ये ट्रॉलर वाले जो हमारे फिशरमैन हैं वो सारी चीज़ों को सारे रिसोर्स को यू you नो know, खुद कलेक्ट कर लेते हैं और उनके पास कुछ नहीं रहता और फिर झगड़ा होता है तो ये मेन इश्यू हैं और इसको सॉल्व करना जो है वो पॉलिटिशियंस को मिलकर और सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर इसको सॉल्व करना होगा वरना फिर इसके सॉल्यूशंस तो बहुत ज़्यादा हैं बहुत सारे लोगों को इसके सॉल्यूशंस भी पता है वही है बातचीत करना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना ये सारी सस्टेनेबल प्रैक्टिस ना हो जॉइंट पेट्रोलिंग और एक भाईचारे की भावना से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए वरना ये प्रॉब्लम जो है वो चला आया है और चलता रहेगा आफ्टर द स्टॉम ये एक नेक्स्ट आर्टिकल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये प्रपोज किया है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जिनको हम कहते हैं शेडो बैंक्स राइट तो शेडो बैंक्स के रेगुलेशन यानी कि उनके उनको कंट्रोल करना रूल्स एंड रेगुलेशन उनको मॉनिटर करने में अब आरबीआई जो है वो धीरे धीरे चेंजेस करना चाहता है उसके पीछे रीजन यह है कि ट्वेंटी की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर का ट्वेल्व परसेंट जो है वो एनबीएफसी का था आज आप देखिए कि परसेंट ट्वेंटी टेन दस सालों में यह 25 परसेंट से ज्यादा हो चुका है 2015 की बात करें तो एन की बैलेंस शीट जो थी वो थी 20.7 लाख करोड़ रुपीस अब 2020 में पाँच सालों में ये 49.2 लाख करोड़ रुपीस हो चुकी हैं और आई एल एंड एफ एस इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने वाली एक बहुत बड़ी एन थी 2018 में ये बैंक हुई और इसकी वजह से पूरा जो एन सेक्टर है उसमें एक इट्स लाइक यू नो एक टाइटेनिक जितनी बड़ी शिप जो हैं वो डूब गई तो इसकी वजह से छोटी छोटी बोट्स जो हैं उनके ऊपर भी काफ़ी इसकी इम्पैक्ट आई आई होप ये एग्जाम्पल बेस्ट था तो एक बहुत ही बड़ी आई एल एफ एस जो है हमारे देश की सबसे बड़ी एन बी एफ सी जो है उसका फेलियर हुआ और तब जाकर पता चला कि एन बी एफ सी जो है इम्पोर्टेंट हैं एन बी एफ सी बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेकिन एन बी सी को आप एक यू नो फ्री हैंड नहीं दे सकते फ्री हैंड दिया गया था uh, बहुत ही लाइट अप्रोच रहता था आरबीआई का आरबीआई यूज टू बी वेरी लाइट विद यू नो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन काफी ईजी रखे गए थे इतना ज्यादा मॉनिटरिंग नहीं था और इसका बेस्ट रिजल्ट यही मीन्स आप देख सकते हैं रिजल्ट के फ्री हैंड दिया गया था इसी वजह से आप देखिए कितना इसका ग्रोथ हुआ है एन बी एफ सी का हियर एज वेल यू कैन सी राइट ट्वेल्व परसेंट से दस सालों में ट्वेंटी फाइव परसेंट जितनी आपकी बैलेंस शीट हो गई टोटल बैंकिंग सेक्टर की तो सेल्फ इंडिकेट्स ट्वेंटी पॉलिसीज जो है वो काफी फेवर कर रही थी लेकिन फिर कोलेट्रल डैमेज भी होता है जब एक यू you नो know, एक बड़ी बिल्डिंग गिरती है तो आजू बाजू की जो छोटी बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर भी इसकी इम्पैक्ट होती है तो ऐसा ही हुआ यहाँ पर तो एन के लिए फंड जो छोटी बड़ी एम थी उनके लिए फ़ंड कलेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया क्योंकि लोग ये समझने लगे कि एन जो हैं वो कभी भी डूब सकती है एक भय जो है वो लोगों के अंदर होने लगा तो अब आर ने यह तय किया है कि जो छोटी एन हैं उनको यू नो लेट इट गो या फिर लेट इट बी उनको इतना ज़्यादा कोई ट्रबल या फिर उनके ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इतना ज़्यादा नहीं होगा जैसे रूल्स थे वैसे ही रहेंगे फिर जो मीडियम साइज़ हैं तो उनको कुछ मिड लेवल की जो बैंक्स होती हैं उनके साथ उस प्रकार के और जो टॉप या फिर बड़ी एन बी हैं तो उनके ऊपर आर जो है वो और ज़्यादा रूल्स एंड रेगूलेशन या फिर और ज़्यादा इसको टफ बनाएगी ताकि ऐसी बड़ी एन जो हैं वो डूब ना जाए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम ए बिग पुश फॉर एजुकेशन कल यानी कि ट्वेंटी फोर्थ जनुअरी वॉज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ट्वेंटी ट्वेंटी बाई द वे ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित uh, किया गया है दिस वॉज द थर्ड इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन एंड टू ऑन एजुकेशन एंड इट्स वैल्यू टू ह्यूमैनिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजुकेशन को ऑनर करना फिर उसकी जो इंपॉर्टेंस है ह्यूमन बींग्स के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि हम सभी को जितने भी लोग हैं दुनिया में सभी को हम एजुकेट करें ट्वेंटी ट्वेंटी वन की थीम है रिकवर रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड नाइनटीन जनरेशन ऑफकोर्स राइट एजुकेशन को फिर से रिवाइव करने की आवश्यकता है ये एस्टिमेशन कहता है कि 1.6 बिलियन स्टूडेंट्स जो हैं 190 देश के 106 1.6 बिलियन स्टूडेंट्स कोविड 19 की वजह से उनका एजुकेशन जो है वो अफेक्ट हुआ हमारे देश की बात करें तो 1.5 मिलियन स्कूल्स 1.5 मिलियन यानी कि बात कर रहे हैं हम 15 लाख स्कूल्स जो हैं वो अफेक्ट हुए इसकी वजह से टू मिलियन बच्चे जो हैं उनका एजुकेशन अफेक्ट हुआ यूनेस्को का एस्टिमेशन यह है कि टोटल जो 11.8 ट्रिलियन ग्लोबल फिजिकल पैकेज जो है उसका सिर्फ 0.78 परसेंट जो है वो एजुकेशन के लिए एलोकेट किया गया बाकी के पैसे जो हैं वो मींस इस इसमें से भी ये 91 जो हैं उसमें से थ्री जो ये पैसे जो है मीन सेवेंटी थ्री बिलियन स्पेंड जो किए हैं ये पॉइंट सेवन एट का टोटल मीन्स इतना होता है नाइन्टी वन बिलियन और इसमें से मैक्सिमम जो है सेवनटी थ्री बिलियन वो हाई इनकम कंट्रीज ने स्पेंड किया है लो इनकम कंट्रीज़ ने बहुत ही कम पैसे एजुकेशन पैकेज के लिए दिए हैं वैसे एवरेज देखी जाए तो साउथ एशिया रीजन ने यूरोप और लैटिन अमेरिका के रीजन के हिसाब से ज़्यादा पैसा दिए हैं लगता ये है कि पॉइंट पर लेकिन यूरोप की इकोनॉमी का 0.73 परसेंट और साउथ एशिया की इकोनॉमी का 0.85 परसेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है यूरोप की इकोनॉमी कोर्स इट्स गोइंग टू बी ए बिग फिगर यूरोप की इकोनॉमी का 0.73 परसेंट तो ये भी चीज़ हमें समझनी है एनी वे इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिटी का टेक्नो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है बिनो आज मैं और आप बात कर रहे हैं राइट right, मैं कहीं पर हूँ आप अलग अलग जगहों पर होंगे और हम सब एक वक्त पर डिस्कशन कर सकते हैं दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज इट तो इट इज़ ए गुड सोर्स दिस इज ए प्राइम एग्जाम्पल तो मैं और तो क्या एग्जाम्पल दूँ आपको एप्स अवेलेबल हैं तो ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं लेकिन जो बच्चे हैं लाइक यू आर नॉट बच्चे एनी राइट right? आप सब जो हैं वो एडल्ट तो so, आपने वो पढ़ाई कर ली है स्कूल्स ख़त्म हो गई आपकी कॉलेज ख़त्म हो गई आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं पाँच दस स्टूडेंट जो स्कूल में हो लेकिन बाकी के ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने आप अपने बैचलर्स भी शायद ख़त्म कर लिया है तो अब आप अपने आप को संभाल सकते हैं यू you नो know, अगर नहीं संभाल सकते तो दस घंटे प्रॉब्लम फॉर यू बट अब आपको इतना मोनिटरिंग की आवश्यकता नहीं है आप बड़े हो गए हैं लेकिन बच्चे जो हैं उनको यूज टू करना आज तक वो सिर्फ यू नो नॉर्मल एजुकेशन ही नॉर्मल इन द सेंस के स्कूल में जाना और दैट वाज देयर पार्ट ऑन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ स्कूल जाना कॉलेज जाना फिजिकल बिल्डिंग में बैठना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ लेकिन अभी यूज़ टू होना पड़ेगा टीचर्स को भी यूज़ टू होना पड़ेगा और दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि क्योंकि इतने सारे बच्चों का एक्सपोजर नहीं था तो एक फ़्रेश अप्रोच से भी हम चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन इसमें चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं चैलेंजेस uh, में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हर किसी के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है तो इसको हम कैसे रोकें ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए तो फंडिंग इज़ द की पैसे होने चाहिए पैसे के साथ साथ अच्छा प्लान और प्लान को इम्प्लीमेंटेशन करना तो ये चीज़ें हमें सरकार को या फिर जो एन हैं सोसाइटी को करनी होंगी द शिपिंग सेक्टर इज at सी दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ को आप देखेंगे और इतिहास को भी जब आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे यू रिफाइंड के उस टाइम की बेस्ट टेक्नोलॉजी जो थी वो थी शिपिंग जिस देश के पास बड़ी शिप और आ, ये टेक्नोलॉजी थी जिस किंगडम के पास जिस राज्य के पास के वो बड़ी शिप बना सकें तो उन्होंने अलग अलग जगहों पर राज किया द पोटेंशियल ऑफ़ शिपिंग एज ए कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑल्सो वेल नोन हम सब जानते हैं कि अगर आप अच्छा अच्छे से अच्छा सामान भी, यू नो आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कारीगर हैं ऐसे बहुत सारे ऐसे हस्तकला के लोग हैं जो बहुत अच्छा सामान बनाते हैं ट्रेडिशनल सामान लेकिन हम उसको खरीद हमें उसके बारे में पता ही नहीं होता है क्योंकि वो हम तक वो सामान पहुंचा ही नहीं सकते बीच में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा कमीशन वो ज़्यादा पैसे बना लेते हैं बिकॉज वो लोग सामान को ई बे वी भी है फ्लिपकार्ट एंड जो भी अमेजोन मिंत्रा ये सारी जगहों पर वो लोग बेचते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी एक पूरी जो आपकी ऑपरेशन है उसका पार्ट है कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाया लेकिन वो प्रोडक्ट आप मार्केट तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो क्या होगा तो इसके लिए सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना नहीं प्रोडक्ट के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉजिस्टिक्स है दैट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल चाइना ने क्या किया चाइना वही कर रहा है अब वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल का कहना यह है कि दुनिया के टॉप टेन जो पोर्ट्स हैं कंटेनर पोर्ट्स उसमें से सात पोर्ट्स जो हैं वो चाइना में है चाइना देखिए चाइना को भारत की तरह भारत का लोकेशन जो है वो कितना स्ट्रेटेजिक है अगर आप कभी बैठ कर इसको ऑब्जर्व करें तो इंडियन ओशन में एक ऐसे पॉइंट पर हैं कि कोई भी जगह इतनी दूर और कोई भी जगह इतनी पास भी नहीं यू नो नथिंग इज़ दैट फार फ्रॉम इंडिया सारी चीज़ें एक्सेसिबल हैं ऑस्ट्रेलिया है ये वाला पोर्शन है ये वाला पोर्शन है दिस रीजन या चाइना के पास सिर्फ ईस्टर्न कोस्ट है लेकिन फिर भी चाइना जो है वो बेस्ट पोर्ट्स जो हैं वो बनाकर कितना सारा ट्रेड भी कर रहा है तो ऐसा क्यों वाई चाइना कैन डू इट एंड हम क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे हैं उसके पीछे रीज़न ये है कि हमने कभी इतनी कोई खास कोशिश नहीं की सिक्सटीन सेंचुरी की बात करें तो भारत और चाइना की जीडीपी जो है वो नियरली इक्वल थी और हमारी मेरी टाइम सुप्रीमेसी भी थी लेकिन पिछले 70 इयर्स में हमने सिर्फ यू नो मिस्टेक से की है विजन लेस एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा ऐसा इस आर्टिकल के ऑथर का कहना है ऑल ऑफ इंडियाज एक्शन ऑन शिपिंग फ्रंट हैउंटर इफेक्टिव हम क्या करते हैं कि दो राज्य जो हैं एक राज्य एक पोर्ट बनाएगा दूसरा राज्य एक पोर्ट बनाएगा और दोनों राज्य जो हैं वो एक दूसरे के साथ कॉम्प ये दोनों पोर्ट्स एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं डिस्टेंस भी इतना कुछ खास नहीं होता है तो दिस इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एक ही चीज जो आप यहां पर दोनों मिलकर क्रिएट कर सकते थे उसको बड़ा बना सकते थे लेकिन ऐसा विजन ही नहीं है फिर इलेक्शन कौन जीतेगा राइट सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहेगी कि उनके द्वारा रूलिंग रूल कर रही पार्टी का राज्य जो है वो करें ऐसा हर कोई ये एक बहुत ही यू you नो know, ये इसमें देश का क्या भला हुआ इसमें तो पॉलिटिकल पार्टी का भला हुआ एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग बीजेपी या फिर मोदी गवर्नमेंट सेम यूज टू ये चीज़ें कांग्रेस के टाइम पर भी होती थी कि कांग्रेस के यू नो मनमोहन सिंह साहब के टाइम uh, you know, पर भी यही पॉलिटिक्स था और ये हमेशा यही चीज़ हमें देखने को मिलती है विच इज़ अ मैटर ऑफ शेम फॉर आवर कंट्री ऑल द शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन पेनजिलर इंडिया ओनली हैब्स फॉरन शिपिंग लाइनज मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको कुछ लाइव एग्जाम्पल्स दूँ लेकिन मैं एक जगह पर गया था गुजरात में कच्छ जो है वहाँ पर एक कोस्टल टाउन है जिसका नाम है मांडवी और मांडवी इज फेमस फॉर शिप बिल्डिंग छोटी छोटी जो शिप होती है उसको बनाने के लिए मांडवी इज वेरी फेमस तो एक प्रकार की छोटी सी टूर भी ली मैंने वहाँ पर एक व्यक्ति को मिला जिनके ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं वो भी शिप बनाते थे और यू नो लेट मी गिव यू वन मोर फैक्ट कि जो वास्को डी गामा है तो वास्को डी गामा को भारत की तरफ भारत जिसने दिखाया वो व्यक्ति साउथ अफ्रीका में जो था वो मांडवी का व्यक्ति था तो यू कैन इमेजिन के उस टाइम पर ये जो रीजन है तो कितना शिप uh, इंडस्ट्री में या फिर इस आर्ट में इस टेक्नोलॉजी में कितने आगे होंगे लेकिन हम वहीं पर हैं अच्छी शिप बनाते हैं लेकिन वी शुड बी मेकिंग जायंट्स, जो बड़ी बड़ी शिप हैं वो बनानी चाहिए यहाँ पर छोटी छोटी ही बन रही हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे चेंज होती गई ही सरकार की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिला तो ये जो जो एक आर्ट थी लोगों की राइट परंपराओं से वो लोग जो शिप बनाते थे उसको नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंचा पाए और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उसके बारे में हमारे यहाँ पर एजेंट्स ज़्यादा हैं शिप ओनर्स बहुत कम या फिर ना के बराबर हम दूसरे लोगों की शिप व उनका सामान जो है उसके एजेंट बन जाते हैं रात दैन हमारी खुद की शिप बनाएं तो ये एक जो एंट्रप्रिनरशिप है कमीशन को छोड़ो और यू नो डायरेक्ट शिप ओनर बनो तो ये विजन के साथ लेकिन ये तब होगा जब सरकार भी सपोर्ट करें एक अच्छी बात है कि सागरमाला प्रोजेक्ट जो है सागरमाला के तहत पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानि कि आप वहाँ पर ही फैक्ट्री बनाएं और फॉरेन uh, में भी सामान बेचें और हमारे देश में भी रोड रेल एयरपोर्ट ये सारी चीज़ों की कनेक्टिविटी अच्छी हो वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक्स इंस्टीट्यूशन यही बात जो मैंने आपको बताई कि लॉजिस्टिक्स यानी कि आउट और इन इम्पोर्ट जो आपने चीज़ें की तो ये चीज़ें भी डिस्ट्रीब्यूट हों अलग अलग जगहों पर तो ये होगा और कोस्टल कम्युनिटी जो मैंने अभी मांडवी का एग्ज़ाम्पल दिया तो वहाँ पर रहने जो कोस्टल कम्युनिटी हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है तो उनका डेवलपमेंट जब तक नहीं हो क्योंकि उनके हम नहीं कहते कि उनके ब्लड में है ये तो जिनके ब्लड में है कोई व्यवसाय या फिर कोई बिजनेस या फिर तो लेट सपोर्ट देम राइट दे कैन डू इट लिटिल बिट बेटर और छोटे वायजस के लिए छोटे शिप्स बनाना बड़ी शिप्स बनाना राइट ये दिस आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू तब जाकर ये एक लॉजिस्टिक्स में या फिर इंटरनेशनल लेवल पर ये बदलाव होगा या वरना फिर हम कितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए अगर हम बेच नहीं पाएंगे तो फिर उसका क्या फ़ायदा एंड दैट्स एवरी थिंग फ्राम माई साइड फ्रेंड्स आज के कुछ न्यूज़ आइटम्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं कल ट्वेंटी फोर्थ जनवरी को नेशनल गर्ल्ड चाइल्ड डे भी था तो वेरी हैप्पी गर्ल्ड चाइल्ड डे टू एवरी वन ऑफ अस राइट और बेटिया के बारे में तो मैं क्या बताऊँ राइट दे आर लाइक फ्लावर्स इन द गार्डन ऑफ फैमिली ऐसा मैं मानता हूँ और ऐसा है भी सिर्फ मानता नहीं जानता भी हूँ आई हैव टू एल्डर सिस्टर्स तो टू एल्डर सिस्टर्स का मतलब है आई हैव थ्री मदरस मदर एंड दो बड़ी बहने एंड यू आर वेरी लकी इफ़ यू हैव टू एल्डर सिस्टर्स राइट आपको तीन माँ का प्रेम मिलता है तो इट्स ब्यूटिफुल तो आई एम श्योर आपने भी बहन के साथ मदर एवरी वन राइट एवरी सिंगल गर्ल इज यू नो उनका पोटेंशियल है कि शे विल बिकम मदर शिविल बिकम वाइफ बहू सिस्टर फ्रेंड Right. So we need to celebrate this, and that's everything from my side. Thank you very much. Please make sure uh, that you share this right, dear friends. It's very, very important. That's why I'm telling you, okay, share it with as many as as many people as possible. or if you want to get in touch with me, I you, can send me messages as well. So meet tomorrow. enjoy your studies. Many videos are on our channel. So stay tuned.